युद्ध में देखते रह गया। क्या देखते रह गया? युद्ध को। हाँ। आप युद्ध को देखता रहा। हाँ, हाँ, देखता क्यों रह गया? उसका जो ड्रामा में पार्ट था वो उसने बजाया। क्यों का सवाल ही नहीं होता ड्रामा में। हाँ, युद्ध में शरीक नहीं हो सका। अगर शरीक हो जाता तो बात ही पलट जाती। ने अर्जुन को मारा। बब्रुवाहन ने अर्जुन को मारा। हाँ, मारा। फिर जन्म दिया किसने? फिर अर्जुन को जन्म दिया किसने? अर्जुन को जन्म तो देवता ने दिया, इंद्र देवता ने। हाँ, खुशनसीब और बदनसीब का अर्थ क्या है? बद माने बुरा, कहते हैं ना, बद अच्छा, बदनाम बुरा। बद माने बुरा हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका नाम बदनाम हो जाए तो बहुत खराब बात हो जाती है। तो बदमाने बुरा है, नसीब भाग्य को कहा जाता है। जिसका बुरा भाग्य है वो तो मिला तो अपने कर्मों से ही है, लेकिन जो बुरा भाग्य मिलता है वो बुरे कर्मों की निशानी है, इसलिए बदनसीब कहा जाता है। खुशनसीब अच्छे कर्मों की निशानी है। जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं वो इस पुरुषार्थी जीवन में भी खुश रहता है, क्योंकि हल्का फुल्का होकर के चलता है। पाप कर्म करने वाली आत्मा भारी भारी रहेगी, घड़ी घड़ी भारी होती रहती है, क्योंकि पाप कर्मों का बोझा बहुत है। तो उसको कहा जाता है बदनसीब। बाबा ने कहा है कि अंतिम समय तक पुरुषार्थ करना है, तो वो अंतिम समय कब तक है? देह है तो अंतिम समय कहें या न कहें, आत्मा की देह सालिम है। तो जब तक ये देह है तब तक अंतिम समय कहें या न कहें? है, अंतिम समय कब कहा जाता है? जब देह छूटने वाली होती है। वो तो भक्ति मार्ग की बात है, स्थूल देह छूटने वाली होती है, और यहाँ देह छूटने की बात है या देह भान छूटने की बात है? हैं, देह भान जब छूट जाएगा तो हमारा अंतिम समय आ जाएगा। अंतिम समय का मतलब है पुरुषार्थ की अंत घड़ी हो गई, फिर हमें पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। आत्मा संपन्न स्टेज को प्राप्त कर लेगी। आत्मा के ऊपर जो पूर्व जन्मों का पापों का बोझा है वो सब खलास हो जाता है, देहभान खलास हो जाता है। तो देहभान खत्म होना माने अंतिम घड़ी आ जाना। बाबा आपने हमको इस तमो प्रधान दुनिया से बचाया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम 100% सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? सौ परसेंट सेवा करने के लिए अपनी 100% ताकत लगानी है। 100% ताकत लगाने का मतलब है कि जो भी हमारे पास तन है, तन की शक्ति है, तन से कनेक्टेड बाल बच्चे हैं, तन से कनेक्टेड संबंधी हैं, तन से कनेक्टेड संपर्की हैं, और जो हमारी मुट्ठी में हैं, उन सब को ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। उन सब की ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देना। ये हुआ तन अर्पण करना। ऐसे ही धन अर्पण करना। जो भी हमारे पास धन है, कखपन है, वो हमारा नहीं है, सब ईश्वरीय सेवा का है। कल नहीं लगाएंगे, आज ही उसको सेवा में लगा देना है। तो न तन हमारे पास रहेगा, न धन रहेगा, सारी शक्ति तन और धन की ईश्वरीय सेवा में लगेगी। तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन लगेगा। ये नियम है कि तन और धन की शक्ति जहां जाती है वहीं मन और बुद्धि चली जाती है। मन बुद्धि से ही पुरुषार्थ होता है। मन बुद्धि जब अर्पण हो गई तो सेवा जरूर होगी। मन अगर अर्पण नहीं हुआ, बुद्धि अर्पण नहीं हुई है, तो तन और धन से भी सेवा नहीं हो सकती। अमेरिका की म्यूजियम में एक बड़ा ब्लू डायमंड है। वो इंडिया से चुरा के लिया गया है। उसमें लिखा है कि वो धरती से टपक करके उड़ करके आया। क्या अमेरिका में धरती नहीं है? है? इंडिया में ही धरती है। फिर टपक के कहां से आया? अखबारों में, टीवी में तो जो बातें आती हैं सब सुनी सुनाई बातें आती हैं। असली बातें तो आती ही नहीं है। उनकी तफ्तीश करनी पड़े। दुनिया की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है और दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल भी अमेरिका में ही है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अमेरिका का अर्थ है अव्यक्तवाणी में क्या बताया है? अमेरिका। आओ तुम मेरे हो क्या? पूछा, बताया नहीं कि मेरे हो या नहीं हो। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे हो या माया के हो? हैं? अमेरिका वाले जो अमेरिका भारत से भी जाते हैं, वो माया की गिरफ्त में होकर के जाते हैं, या जो माया की पकड़ से छूट जाते हैं वो अमेरिका जाते हैं? कौन जाते हैं? जो माया की पकड़ में आ जाते हैं वो ही अमेरिका की तरफ भागते हैं। नहीं तो भारत की सेवा करें। भगवान भी आकर के कहाँ सेवा करता है? किस देश में? भारत की सेवा करता है। और तो वो बेचारे माया की पकड़ में आ जाते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं। तो माया का देश है अमेरिका। वहां की सबसे बड़ी नदी का नाम है मिसिसिपी। क्या पी माने? मिसी सी पी। मिसी माने जो मिस करने वाली है। क्या मिस करने वाली है? जो कुछ भी देखती है सारा उल्टा ही देखती है। तो उल्टा देखेगी तो मिस करेगी, मिस यूज करेगी, या अच्छा यूज करेगी? क्या करेगी? मिस यूज करती है। उसे सब कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ता है। उसका नाम ही है मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी नदी, पी माने परमात्मा। परमात्मा को भी उल्टा करके देखती है। कैसी आत्मा? परमात्मा। परमात्मा अर्थात छोटा मोटा पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं। कैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा? परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। ऐसी आत्मा को भी मिस करके देखती है। उसके पार्ट को भी मिस कर देती है। समझती है बहुत नीचा पार्ट है। दूसरों को भी ऐसे ही समझाती है। और नदी बहुत लंबी चौड़ी है। तो उल्टा ज्ञान उठाती है या सीधा ज्ञान जल उठाने वाली है? हैं? उल्टा ज्ञान उठाने वाली है। इस नदी का नाम ही है माया। मेरी बेटी है। किसकी बेटी है? हैं? शिव बाबा की बेटी है। उसको काम मिला हुआ है। क्या काम मिला हुआ है? हैं? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खूब उल्टी बातें बुद्धि में बैठाओ। तो नदी तो है लेकिन माया भी नदी है। भारत की नदियों में स्नान करते हैं या अमेरिका की नदियों में स्नान करते हैं? भारत की नदियों में स्नान करते हैं। विदेश की नदियों में कोई स्नान नहीं करता। क्यों नहीं करता? है? क्योंकि भारत की नदियां पतित पावनी हैं। बाप के सहयोग से पतित पावनी बनती हैं। खुद पावन बनती हैं तो औरों को भी पावन बनाती हैं। खुद अभी विचारणी बनती है तो औरों को भी अभी विचारणी बनाती है। विदेश की नदियां खुद विचारी हैं। जड़ नदियों की बात नहीं है, चैतन्य नदियों की बात है। वो जड़ नदियां तो यादगार मात्र हैं। और हनुमान जी को वो क्यों मिल गई? क्या हनुमान जी को ऊंट क्यों मिल गई? ऊंट क्यों मिल गई? इनको ऊंट क्यों मिल गई? हनुमान जी को ऊंट क्यों मिल गई? पूछ हनुमान जी को कैमल क्यों मिली? कैमल ऊंट, ऊंट की सवारी मिली उनको है। ये तो नई बात सुनी है, कहीं रामायण में आया है क्या? हैं? हनुमान जी की सवारी ऊंट के ऊपर दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, इस्लाम धर्म में चले गए होंगे हैं? तो वहाँ तो रेगिस्तानी जहाज ही मिलता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ब्रह्मा की सोल ही तो हनुमान है। और कौन से धर्म को ज्यादा सपोर्ट करती है? हैं? उन्होंने अपना सारा कारोबार किस भाई को सौंप दिया है? विश्व किशोर भाऊ को सौंपा। और कौन सी माता को सौंपा? प्रकाशमणि दादी को सौंपा। तो किसका आधार लिया? इस्लामियों का आधार लिया या दूसरे वंश का आधार लिया है? इस्लामी धर्म वंश का आधार लिया। तो बाप जिस बच्चे का आधार लेगा उस बच्चे के देश में जाएगा कि नहीं जाएगा? है? जाएगा। तो वहां कौन सा पक्षी होता है? है? ऊंट पक्षी होता है। हाँ, ऊंट पक्षी माने ऊंट, रेगिस्तानी जहाज कहा जाता है उसको। जैसे जहाज ऊपर उड़ता है वैसे जानवरों में एक जानवर ऊंट है जो बहुत तेजी से चलता है। और कोई जानवर रेगिस्तान में नहीं चल सकता तेजी से। तो वो ही उनको दे दिया गया है सवारी करने के लिए। और एक वार्तालाप में बोला गया है कि जगदम्बा चंद्रवंश का बीज है, तो वो अष्ट देवों में 2 नंबर का चंद्रवंश का बीज नहीं है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिख धर्म है वो 7वें नंबर का धर्म है। और 7वें नंबर का जो धर्म है उसमें जो पहला मणका होगा, 12 में से पहला मणका, वो पहला मणका भी अष्टदेव में आना चाहिए। हर धर्म का पहला मणका अष्टदेव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? नहीं आना चाहिए। तो क्या ये संभव है? हर धर्म के पहले मणका 84 जन्म लेता है या कम जन्म लेता है? है? तो कम जन्म लेगा। लेकिन यहाँ 108 मणकों की बात है। 108 मणके तो देवी देवता सनातन धर्म के अंत में पक्के बनते हैं। शुरुआत में जब ज्ञान में चलते हैं तो कुछ कच्चापन होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक आत्मा संपन्न नहीं बनी है सूर्यवंशी नहीं बनी है तब तक वो चंद्रवंशी या इस्लामवंशी या बौद्ध वंश के संस्कार दिखाएंगे, स्वभाव संस्कार देखने में आएंगे और उन्हीं उन्हीं धर्मों का फाउंडेशन लगाएंगे। बाकी ऐसे नहीं है कि जो 12-12 के ग्रुप हैं 9, उन 9 ग्रुपों में जो पहला मणका है वो अष्टदेव बन जाता है। नहीं, ये तो सूर्यवंशी की बात है। जो सूर्यवंशी हैं वो सारी दुनिया के हर धर्मवंश के पूर्वज हैं। पूर्व माने पहले और जा माने जन्म लेने वाले। पहले पहले वो जन्म लेते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, बाद में औरों का नंबर लगता है। तो दूसरे धर्म के जो 12-12 मणके हैं उनमें से अष्टदेव में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जगदम्बा भी अष्टदेव में नहीं आ सकती क्योंकि चंद्रवंश का बीज है। और बाबा कहते हैं जिस नंबर का लक्ष्मी नारायण बनेंगे उसी नंबर की राम सीता बनेंगे। तो बाबा त्रेता के अंत में 3 गद्दियां इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आत्माओं को मिलती हैं। वो बीज रूपी आत्माएं हैं। फिर उनको कैसे गद्दियां मिलती हैं तो बीज रूप, लेकिन वो जो बीज हैं वो पावरफुल बीज हैं या कमजोर बीज हैं? पावरफुल क्यों है? हैं इसलिए पावरफुल है कि वो सूर्यवंशी हैं। ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट उनको ज्ञान मिलता है और जो 12-12 के ग्रुप हैं वो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से नहीं लेते। तो ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो पावरफुल काम भी करके दिखाते हैं। जैसे और धर्म पिताएं हैं वो कम पावर वाले हैं परमपिता परमात्मा शिव के मुकाबले। तो जो कम पावर वाले धर्म पिताएं हैं वो अपने अपने धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन अपने धर्मों का या दूसरे धर्मों का विनाश नहीं कर पाते, टोटल विनाश नहीं कर पाते। अपने धर्म की भी स्थापना कर देते हैं और पुराने धर्म भी चलते रहते हैं। इसलिए दुनिया की हालत गिरती जाती है। और शिव बाबा क्या करते हैं? है? देवी देवता सनातन धर्म भी स्थापन करते हैं और सब धर्मों का शंकर की मूर्ति के रूप से विनाश भी कराते हैं। तो सबसे ज्यादा पावरफुल काम क्या हुआ? विनाश का काम सबसे जास्ती पावरफुल हुआ। ये विनाश का कार्य सब कोई नहीं कर सकता। ये विष पीने का कार्य है, विष को सब कोई नहीं पचा सकता। कहते हैं सागर मंथन हुआ, उसमें से हालाहाल विष निकला, सब डर गए, कोई की हिम्मत नहीं हुई उस विषय विकार को भस्म करने की। ये तो परमपिता परमात्मा का ही काम है। तो परमपिता परमात्मा जो वंश स्थापन करते हैं वो सूर्यवंशी बच्चे भी बड़े पावरफुल हैं। इतने पावरफुल हैं कि जो स्थापना करने वाला ग्रुप है सूर्यवंशियों में और पालना करने वाला ग्रुप है सूर्यवंशियों में 4 और 4 8, सारे पुरुषार्थी जीवन में उनका मुकाबला करते रहते हैं। तो पावरफुल है तभी तो मुकाबला करते रहते हैं, परंतु उनको भी काम मिला हुआ है। जिस धर्म के वो पूर्वज हैं उन धर्मों का विनाश करना, और सारी दुनिया के जो भी धर्म हैं उनका भी विनाश के कार्य में सहयोग देते हैं। तो विनाश का कार्य में सहयोग देने वालों को भी कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कि कोई पद नहीं मिलना चाहिए। अगर विनाश नहीं होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी क्या? नहीं प्रत्यक्ष हो सकती। इसलिए इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज और क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये 3 मुख्य विधर्मी हैं, बाकी तो सब उनके सहयोगी हैं। वो मुख्य धर्म नहीं है। ये 3 धर्मों का अगर विनाश हो जाता है तो बाकी सब सहयोगी धर्म अपने आप ठंडे हो जाएंगे। तो विनाश के कार्य में सहयोगी बनने के कारण उनको भी अंतिम 3 गद्दियों का हिस्सा देना मिल जाता है। वो त्रेता की अंतिम 3 गद्दियां हैं, क्योंकि विनाश कार्य में सहयोगी बने हैं इसलिए उनकी गद्दियां भी ऐसी ही मिलती हैं। जो सतयुगी दुनिया का, त्रेता युगी दुनिया का, स्वर्ग की दुनिया का विनाश करने के निमित्त बनी हुई है। और व्यास ने गीता का भगवान कृष्ण को बताया है। सबसे पुराना कवि कौन है? सबसे पहले शास्त्र बनाने वाला कौन है? हैं? वाल्मीकि तो बाद में हुए हैं, उनका रामायण शास्त्र भी बाद में हुआ है। पहले पहले कौन सा शास्त्र लिखा गया है? गीता लिखी गई है। महाभारत भी बाद में लिखा गया है। अभी जो महाभारत मिलता है उसमें गीता का अंश दिया हुआ है। गीता महाभारत में ऐड कर दी गई है। वास्तव में गीता ही सबसे पुराना धर्मशास्त्र है। उसका लिखने वाला व्यास है। तो आदि में जो शास्त्र हुए वो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? सतो प्रधान शास्त्र में झूठी बात होगी या सच्ची बात होगी? है, सच्ची बात ही होगी। माना जब गीता लिखी गई थी व्यास के द्वारा, उस समय उसमें कृष्ण का नाम नहीं डाला गया था। ये कृष्ण का नाम डालने वाले बाद वाले व्यास का टाइटल लेने वाले गुरु हुए। जो गद्दी पर बैठा वो ज्ञास गद्दी पर बैठने वाला गुरु कहा गया। जैसे लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड, एक के बाद एक गद्दियों पर बैठता है। तो वैसे ही व्यास नाम की गद्दी चल पड़ी और उस गद्दी पर बैठ करके जो भी मनुष्य गुरुओं ने उनकी व्याख्या की शास्त्रों की, वो व्याख्या झूठी कर दी। बाकी ऐसे नहीं है कि व्यास वाली आत्मा ने कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले तो गीता भी निराकारवादी रचना थी, परंतु बाद के तथाकथित गुरुओं ने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। जैसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है, पहले मुरलियों में शिव बाबा याद है यही लिखा हुआ होता था ऊपर, बाद में क्या लिखा जाने लगा है पिता श्री शिव बाबा याद है। तो शिव बाबा का रूप कौन हो गया? पिताश्री हो गया। पिताश्री किसको कहा गया? श्री बाद में लगाया, अर्थात जो बाद में सतयुग में श्रेष्ठ बनता है वो ब्रह्मा की सोल ही पिताश्री कही जाती थी। तो जैसे यहाँ शूटिंग पीरियड में परवर्ती गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, दादाओं ने जो सच्ची गीता है उसमें दादा लेखराज का नाम पिताश्री डाल दिया, अर्थात श्री कृष्ण वाली आत्मा का नाम डाल दिया। वैसे ही द्वापर में भी जो परवर्ती व्यास हुए हैं, व्यास गद्दी के बैठने वाले हुए हैं, उन्होंने व्याख्या में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाकी ऐसे नहीं है जो लिखा है कि व्यास तो राम बाप है, तो मुरली में राम बाप को मूर्ख क्यों कहा गया? व्यास तो और एक नाम कृष्णद्वैपायन। हाँ, व्यास को दूसरा नाम कृष्ण द्वै पायन। जिसने दूसरे कृष्ण को पाई लिया। तो पहले नंबर का कृष्ण कौन है और दूसरे नंबर के कृष्ण कौन है? है पहले नंबर का कृष्ण है संगमयुगी कृष्ण, परंतु दादा लेखराज को तो उसका पता ही नहीं था। ये तो जब एडवांस ज्ञान निकलता है तब पता चलता है कि संगमयुगी कृष्ण ही है, मुख्य है। सतयुग का कृष्ण का तो शास्त्रों में कोई गायन है ही नहीं। ब्रह्मा की जो सोल है वो राम बाप में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ रही है। तो गीता के भगवान को स्वीकार किया ना, कहाँ किया है? प्रवेश करना तो उसकी मजबूरी है कि उसे कोई न कोई में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा की सोल नंबरवार 108 आत्मा में प्रवेश करती है। उनमें पहला नंबर कौन है? पहला नंबर है प्रजापिता। तो ऐसे नहीं कि जिनमें जिनमें प्रवेश करती है उन सब की बातों को मान ही लेगी, स्वीकार कर लेगी। प्रजापिता में प्रवेश कर लिया तो प्रजापिता की सब बातों को मान लेगी। वो भगवान किसको समझती है? निराकार को समझती है, बिंदु को समझती है या साकार को समझती है? हैं? वो तो निराकार को भगवान समझती है। तो स्वीकार कैसे करेगी कि गीता का भगवान ये साकार है, जो मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर नहीं है। मेरा शरीर तो था पहले, 69 और 68 से पहले था। वो उसी शरीरधारी को साकार भगवान मानती है गीता का। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा में प्रवेश कर लिया तो राम वाली आत्मा को वो भगवान मानने लगी या गीता का भगवान मानने लगी या गीता का भगवान स्वीकार कर लिया। बाबा देना और हम लेना और 1 घंटा ध्यान करना और 1 घंटा वार्तालाप, ये तो शूटिंग हो रहा है हम सब के बीच में। ये शूटिंग कैसा परिवर्तन होगा सत्यप्रदायक में या स्वागत करेगा? कलयुग में तो ज्ञान रहता ही नहीं, तमो प्रधान है कलयुग। कलाएं रहती है वहाँ, तो ज्ञान की कलाएं नहीं। 3 ही युग हैं जिनकी शूटिंग में ज्ञान की कलाएं होती है। कलयुग में तो कलह क्लेश की कलाएं होती हैं, ज्ञान कहाँ होता है? जो ज्ञानी होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं सबके कर्मों का हिसाब किताब अंत में चुकतू होना ही है। धर्मराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है, तो लड़ाई क्यों करें? लड़ाई लड़ने की जरूरत है? जबकि सबके कर्मों का हिसाब किताब ऑटोमेटिकली चुकतू होता रहता है, तो लड़ाई लड़ने की कोई दरकार है ही नहीं। तो कम से कम 8 घंटा याद करना मतलब पूरा आत्मिक स्थिति में रहना। हाँ, 24 घंटे हैं, 24 घंटों में तो क्लास करना, 8 घंटा अपने शरीर के लिए देना, शरीर की परवरिश के लिए देना, 8 घंटा याद में रहना और 8 घंटा जो बाल बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है, उस गृहस्थी की परवरिश में लगाना। वो 8 घंटा के अंदर क्लास करना होता है, वो सब लागू नहीं होता है। नहीं, याद करना माने सिर्फ याद, मनन चिंतन मंथन को असली याद नहीं कहा जाता। किसी की बातों को याद करना, बच्चा याद आता है, उसकी बातें याद आ रही है, तो बच्चे की बातें याद करना वो असली याद नहीं है। माने वो 8 घंटा के अंदर चलना पड़ेगा, एक क्लास करना, चिंतन मंथन करना, वो दूसरा 8 घंटा में करना पड़ेगा। वो दूसरे 8 घंटा क्या चलते फिरते करो? चलते फिरते भी तो हम मनन चिंतन मंथन कर सकते हैं। अरे लगातार नहीं होता है। मुरली पढ़ने का काम कोई याद करना थोड़ा ही है। वो तो नहीं होगा, अभी 5 मिनट की 2 मिनट याद आता है, फिर दोबारा नहीं आता है, फिर आता है, वो तो लागू नहीं होता है ना। जो याद है वो ही याद है। मैंने वो 8 घंटा के अंदर आता है कि नहीं, कौन सा? मैंने लगातार 1 घंटा तो नहीं चलता है। नहीं चलता, 1 घंटा बैठते तो है लेकिन याद तो नहीं होती 1 घंटा। दूसरी तरफ दूसरों का याद, चेहरा याद आ जाता है। बाबा का तो चेहरा याद नहीं रहता, न चेहरा याद रहता है, न आत्मा याद रहती है। बुद्धि दूसरी तरफ खिसक जाती है, तो जितना दूसरी तरफ खिसक गई वो याद में कहाँ ऐड होगा? तो याद में वो ही ऐड होना है, उसी के लिए बोला है 8 घंटे। ये बात तलब करना ये लड़ाई है, ये लड़ाई है बाबा, ये लड़ाई है। जो वार्तालाप इस दृष्टि से करते हैं कि हम इसे नीचा दिखा दें, बाबा की बात जो बोली हुई है उसको काट के रख दें, तो लड़ाई है उनके लिए। बाबा ने बोला कि जिज्ञासा दो प्रकार की होती है, एक तो जिज्ञासा होती है अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, या दूसरों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिज्ञासा की जाती है। कोई को साप्ताहिक कोर्स दे रहे हैं, दूसरे ने प्रश्न किया, उसका समाधान हमारे पास असली नहीं है, वो समाधान हमने बाबा से पूछ लिया, तो वो जिज्ञासा अच्छी है। लेकिन एक जिज्ञासा ऐसी होती है कि विरोध करना है, बात बात में विरोध पैदा कर देना, विरोधी संकल्प चलाना, हर बात में बाबा की बात को काटना, वो लड़ाई है। याद भी जब बाबा का चलते फिरते रूप को याद करने में विकर्म देखा विनाश होगा। ऐसा दृष्टि देते समय बाबा गद्दी पर बैठ कर दृष्टि देते हैं, उस चलने को याद करने में विकर्म विनाश दिखा। दृष्टि देते हैं वो तो उस समय बल मिलता है, ये कोई जरूरी थोड़ा ही है जिस समय दृष्टि दे रहे हो उसी समय शरीर छूटेगा, जरूरी है नहीं। तो प्रैक्टिस तो निराधार पुरुषार्थ की करना है, निराधार पुरुषार्थ होना चाहिए। और लक्ष्मी की आत्मा है, क्या उसको दृष्टि मिलती है साकार में? फिर वो नंबर कैसे ले लेती है? पूर्व जन्मों की उसकी शक्ति है, जन्म जन्मांतर साथ में रही है और अव्यभिचारी रूप में रही है। वो अभिविचारी शक्ति उसको अभी भी शक्ति दे रही है। बाबा उनको बहलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, डाउन नहीं होने देते। ये तो 108 राजाएं और उनकी प्रजा है, यथा राजा तथा प्रजा। राजा विरोधी बनते हैं तो उनकी प्रजा भी विरोधी बन जाती है। किसकी विरोधी बनती रही? ये 108 राजाएं आपस में लड़ते हैं, तो आपस में ही एक दूसरे के विरोधी बनते रहते हैं। अब 108 में किसका विरोधी बनना चाहिए और किसका नहीं बनना चाहिए है? लेकिन ऐसा होता है 108 राजाओं के बीच में है? क्या होता है? हैं? हैं? सब आपस में टकराते हैं। तो जब सब आपस में टकराते हैं तो सबकी प्रजा भी आपस में टकराती है। और लक्ष्मी लक्ष्मी टकराती है न? लक्ष्मी टकराती है और न लक्ष्मी के अंडर दी कंट्रोल रहने वाली दूसरी आत्मा है। लक्ष्मी तो एक सितारा है, आत्मा है, उसकी भी अपनी दुनिया है या नहीं है? तो जो भी लक्ष्मी के अंडर दी कंट्रोल रहने वाली आत्माएं हैं, वो जन्म जन्मांतर कभी भी टकराने वाली नहीं है। तो उनको संगम युग में सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? मिलेगा सहयोग। बाकी सब टकराते रहते हैं, बाप से भी टकराते हैं। मुरली में क्या बोला? क्या बोला? सबसे लड़ाई हो जाए ब्रह्मा कुमारियों से भी लड़ाई हो जाए, ब्रह्मा कुमारियों को भी छोड़ देना, उनसे भी बात नहीं करना, लेकिन बाप को नहीं छोड़ना, बाप का विरोध नहीं करना। लेकिन वहां द्वापर कलयुग में तो याद ही नहीं रहता हमारा बाप कौन है। और विक्टोरिया रानी लक्ष्मी है बोल दिया है, विक्टोरिया रानी लक्ष्मी बोल दिया, झांसी की रानी, झांसी रानी में दिखा दिया है। आप एक बार विक्टोरिया रानी लक्ष्मी बोल दिया, विक्टोरिया जो है वो लक्ष्मी है, ऐसे तो नहीं बोल दिया। ये तो भक्ति मार्ग की बात बता दिया, ऐसे थोड़ी कि गांधी जी ब्रह्मा की सोल है, गांधी ब्रह्मा की सोल है, जैसे गांधी जी ब्रह्मा की सोल नहीं है। हाँ, गांधी से मिलता जुलता पार्टधारी है। ऐसे ही जो कलयुग की महारानी है वो कोई लक्ष्मी नहीं है, हाँ लक्ष्मी से मिलता जुलता पार्ट है। विक्टोरिया, विक्टरी रही यह, जिसकी यादगार में इंडिया गेट बना, जहां से विक्ट्री मिलती है, वो तो हद की विक्ट्री है। जो इंडिया गेट बना वो अंग्रेजों की सदाकाल की विक्ट्री हो गई क्या, सदाकाल की उनकी विजय हो गई क्या है? नहीं हुई, अंग्रेजों का राज्य खलास हो गया, तो सदाकाल की विक्ट्री कहां हुई? ये सदाकाल की विक्ट्री तो 2500 वर्ष की यहां संगम युग में होती है। जो विजय लक्ष्मी है, विजय माला की हेड है, वो जब मैदान में आती है, सहयोगी बनती है, तो सदाकाल की विजय हो जाती है। वो है असली इंडिया गेट। शिवाजी राजा तो प्रजापिता वाले आत्मा का पाठ है, मैंने उनका माता जी तो जीजा भाई, मैंने प्रजापिता का तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन जीजा भाई का तो बहुत मैंने मान्यता देकर उसका बात मानकर चलता है। अच्छा, प्रजापिता जो है वो जगत पिता है या नहीं? तो जगत पिता माता गुरु को गुरु बनाएगा कि नहीं? तो कौन है माता गुरु? कौन है तुम बताओ? है जगदम्बा है, वो जीजाबाई हो गई, वो हद की जीजाबाई, और ये बेहद की जीजाबाई। अरे जी जा या मर जा, है नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो जीजे जीजा हो जाएगी या मर्जा हो जाएगी? जीजा हो जाएगी। आपने छोटी सा नहीं समझा। बाबा एक वार्तालाप में बोला है, जो छोटी माँ है वो बुद्धियोग से चौरासी जन्म बाप के साथ रहती है, तो जो जगदम्बा है वो भी बुद्धियोग से बाप के साथ रहती है, जिसका यादगार कमल के रूप में चलता है। तो जगदम्बा लक्ष्मी के जैसे बाप के साथ 84 जन्म में क्यों नहीं आती? ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में जब शूटिंग होती है तो मन के आधार पर, संकल्पों के आधार पर शूटिंग होती है, यह प्रैक्टिकल में पाप पुण्य बनता है? संकल्पों के आधार पाप पुण्य बनता है। 100 गुना पाप कब बनता है? प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर पाप बनता है। तो वो पाप लक्ष्मी बनाती है या जगदम्बा बनाती है? जगदम्बा बनाती है। मन में आ जाए संकल्प वो बुरा नहीं, लेकिन कर्म इंद्रियों से कर्म में आ गया तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए जगदम्बा लक्ष्मी के जैसे बाप के साथ 84 जन्म में नहीं आ पाती है, 21 जन्म में भी लगातार साथ नहीं रहती है। 21 जन्म में भी लगातार कौन साथ रहेगी? लक्ष्मी रहेगी। वार्तालाप में छोटी माँ में भी जगदम्बा बनती है। हाँ हाँ, छोटी माँ जो है वो भारत माता है ना, है तो भारत पहले है या जगत पहले है? है? पहले जगत है या पहले भारत है? है? पहले कौन है? नई दुनिया जब बनेगी तो पहले भारत होगा या जगत होगा? भारत होगा। तो जगत की भी माता कौन हो गई? ये सारा जगत है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अरब देश, ये निकले कहाँ से? भारत से ही निकले। काशी में भैरव की खास पूजा क्यों होती है? भैरव माने भयंकर। भयंकर रूप जो है वो योग बल वाला धारण कर सकता है या भोगी धारण कर सकता है? है, जहां योग बल जास्ती होगा वहीं भयंकर रूप हो सकता है। भयंकर से भयंकर भी हो सकता है और प्यारे से प्यारा भी हो सकता है। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं धर्मराज भी हूं। या बोलते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है। बाकी प्रत्यक्ष रूप में तो मैं प्यार का सागर हूं, मार का सागर भी है मेरे साथ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, ये बात पहले किसकी बुद्धि में आई? गीता में एक वाक्य आया है, भ्रोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक, अंत समय जब आवे तो भली भांति भ्रकुटी के बीच में आत्मा को याद करना चाहिए। लेकिन ये श्लोक किसने लिखा? व्यास ने लिखा। तो पहले किसकी बुद्धि में आया? व्यास की बुद्धि में आया। व्यास वाली आत्मा पहले नंबर की कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा पहले नंबर का व्यास है। बाबा कहते हैं कि अंत में 33 करोड़ देवताओं में, अंत में 33 करोड़ देवताओं में अंत में थोड़े ही, द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें 500-700 करोड़ दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं टाइम टू टाइम प्रवेश करती ही रहती है। तो बाबा राधा कृष्ण जैसी आत्माएं शरीर से नहीं है। ये क्या बात हुई? राधा की आत्मा और कृष्ण की आत्मा शरीर से नहीं है क्या? है या नहीं है? है? ना होने का तो सवाल ही नहीं। तो शरीर से नहीं है, फिर उनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं किस में प्रवेश करेंगी? इस प्रश्न को सुधार के तो ठीक नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मपुत्रा, इन नदियों का गायन है, परंतु कृष्णा गोदावरी तुंगभद्रा कावेरी का गायन क्यों नहीं है? गायन नहीं है तो नदियां कहां से आ गई? है भारत में इन नदियों का गायन है या नहीं है? है? इन नदियों में स्नान भी करते हैं या नहीं करते हैं? स्नान भी करते हैं। जैसे गंगा को पतित पावनी मानते हैं, नंबर 12 इन नदियों को भी पतित पावनी मानते हैं। गायन क्यों नहीं है? गायन तो है, हाँ उतना गायन नहीं है जितना गंगा यमुना सरस्वती का है। बाबा को देखते ही आंखों से आंसू निकल आते हैं, ऐसा क्यों होता है बाबा? है कोई बहुत लंबे टाइम का बिछुड़ा हुआ होता है और अचानक देखने में आ जाता है तो क्या होता है? आंखों से प्यार की जगह आंसू आ जाते हैं, अति का प्यार आ जाता है। शांति।